Starting in the name of Allah, the most gracious, the most merciful. So today we will discuss the Penacole, Penacolone rearrangement. Hamare saath Penacole, Penacolone rearrangement kya hai? Sabse pehle to hum ye kahenge ki Penacole hamare saath kya hai? Jab Penacole convert hota hai Penacolone ko, to ye hamare saath hai Penacole, Penacolone rearrangement. Simply, when 2,3-dimethyl, this is the butane. This is the 2,3-dimethyl, 2,3-butanediol है हमारे साथ. Diol उसको कहते हैं जिसको हमारे साथ 2-hydroxyl group attach होते हैं. So this is the diol. This is carbon number 1, number 2, 3, 4. So 2,3-dimethyl, 2,3-butanediol. This is simply the 2,3-dimethyl 2,3-butanediol hai hamare saath. In the presence of mineral acids such as hydrochloric acid, when they are converted into phenacolone such as this is the 3,3-dimethyl carbon number 3 pe hamare saath 2 methyl group attach hai. So this is the 3,3-dimethyl 2-butanone carbon number 2 pe hamare saath O attach hai. So this is the 3,3-dimethyl butanone. Simply हमारे साथ reaction ये है, जब ये Penacole हमारे साथ convert होता है Penacolone, this is the Penacole, this is the Penacole and this is the Penacolone, this is the Penacolone. और ये in the presence of mineral acid hydrochloric acid में convert होता है हमारे साथ 3,3-dimethyl 2-butanone को. So this is the Penacole, Penacolone rearrangement. यहाँ पे हमारे साथ ये dehydrate होता है and rearrangement होता है. इसमें हम वो mechanism में बताएंगे कि किस तरह dehydration होता है this Penacole का और ये convert होता है Penacolone का. So this is the general reaction of the Penacolone, Penacolone rearrangement. अब हम आते हैं mechanism के तरफ कि what's the mechanism of the Penacolone, Penacolone rearrangement. First of all, we will draw the simple reaction. This is the Penacole and they are converted into Penacolone. So the mechanism of this rearrangement is mechanism. यहाँ पे हमारे साथ स्टेप फर्स्ट में हमने पहले कहा था कि दे कन्वर्ट होता है इन द प्रिंस ऑफ मिनरल एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो उसमें हमारे साथ हाइड्रोजन है और वो हम उसको हम प्रोटॉन कह सकते हैं. दिस इज द प्रोटॉन एंड दे हैव अ पॉजिटिव चार्ज. सो स्टेप नंबर 1 इज द प्रोटोनेशन. नंबर 1 प्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन इज द एडिशन ऑफ प्रोटॉन. This is simply the addition of proton. This is step number 1.
plus hydrogen. This will proton, this proton have a positive charge and this hydroxyl group have a negative charge. तो आसानी से ये अट्रैक्ट करेगा इस हाइड्रोजन इस प्रोटॉन को, क्योंकि इस पे हमारे साथ ये हमारे साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव है और हाइड्रोजन पे हमारे साथ पॉजिटिव चार्ज है. सो दे विल मूव टूवर्ड्स द एंड दे विल अट्रैक्ट ऑन द हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ द पिनाकोल. सो दे कन्वर्ट होता है हमारे साथ प्रोटोनेटेड डायोल को, दे विल कन्वर्टेड इंटू प्रोटोनेटेड डायोल. This will be the OH2. क्योंकि हमारे साथ प्रोटॉन ने अटैक किया OH पे और टू हाइड्रोजन बने हमारे साथ. सो दिस इज द OH2 एंड दिस विल द मीथाइल ग्रुप. सो दिस इज द प्रोटोनेटेड डायोल. स्टार्ट में हमने कहा था कि इस रिएक्शन में हमारे साथ डिहाइड्रेशन होता है. सो प्रोटोनेटेड डायोल जब प्रोड्यूस होता है इसके बाद हमारे साथ डिहाइड्रेशन होता है. सो द डिहाइड्रेशन द सेकंड स्टेप इज द डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड डायोल. नंबर सेकंड डिहाइड्रेशन ऑफ दिस प्रोटोनेटेड डायोल. This will convert it into, जब H2OH से रिमूव होता है सो कार्बोनियम आयन विल बी प्रोड्यूस. दिस कार्बन विल बिकम अ पॉजिटिव चार्ज. This is the carbonium ion. यहाँ पे हमारे साथ कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस होता है ड्यू टू डिहाइड्रेशन ऑफ प्रोटोनेटेड डायोल. जब कार्बोनियम आयन प्रोड्यूस होता है तो इस स्टेप के बाद हमारे साथ जो थर्ड स्टेप है उसमें हमारे साथ होता है रीअरेंजमेंट. रीअरेंजमेंट किस चीज़ के होते हैं, हमारे साथ अल्काइल ग्रुप के वन टू शिफ्ट होता है हमारे साथ. सो द थर्ड स्टेप इज, यहाँ से हम ये मिटा देते हैं. द थर्ड स्टेप नंबर थर्ड इज रीअरेंजमेंट बाय वन टू शिफ्ट ऑफ अल्काइल ग्रुप. रीअरेंजमेंट बाय वन टू शिफ्ट. सिंपली ये भी हम कह सकते हैं रीअरेंजमेंट बाय वन टू शिफ्ट, क्योंकि कार्बन नंबर वन और टू टू पे हमारे साथ अल्काइल ग्रुप शिफ्ट होता है वहाँ पे. सो दिस इज द कार्बोनियम आयन. जब ये अल्काइल ग्रुप हमारे साथ जो है ये शिफ्ट होता है इस कार्बन पे जिस पे हमारे साथ पॉजिटिव चार्ज है और जिसने प्रोड्यूस किया है कार्बोनियम आयन. सो व्हेन दे शिफ्ट टू दिस कार्बन वी विल राइट इट ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारे साथ इस स्टेज पे उस जगह पे होगा जिस तरह पहले था. सो यहाँ पे शिफ्ट होता है हमारे साथ मिथाइल ग्रुप. तो ये एक्रीडिशन प्रोडक्ट हमारे साथ प्रोड्यूस होता है. अब हम इस स्टिफ को देखते हैं कि यहाँ पे हमारे साथ तो हमारा जो प्रोडक्ट था ये वाला ये प्रोड्यूस हो गया, लेकिन इसमें हमारे साथ एक हाइड्रोजन के
زیادتی ہے یا پھر ہمارے ساتھ ایک ہائیڈروجن زیادہ ہے تو اس ہائیڈروجن کو ریمو کرنے کے لئے ہم ریموول آف پروٹان کرتے ہیں سو دا فورتھ سٹیپ از دا ریموول آف پروٹان Step number 4 is removal of proton. This is so step number 4 is the removal of hydrogen. Ya pe hamare sath ek hydrogen hai to ye jab remove hota hai ya pe hamare sath is oxygen ke sath lone pair of electron hai to jab ye hydrogen remove hota hai they will become a double bond they will form a double bond which will we will call the phi bond ye phi bond bana leta hai so this will convert it into CH3 C double bond O carbonyl group ye hamare sath final product produce ho gaya this final product is called the 3,3-dimethyl to butanol यहाँ पे हमारे साथ final product produce होता है यहाँ से हमारे साथ एक hydrogen जो है वो remove होता है so this is the final product of the phenacole phenacolone rearrangement और ये phenacolone हमारे साथ produce हो गया So thank you very much. That's all about the phenacole, phenacolone rearrangement.